अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज माशाल्लाह से ईद का तीसरा दिन है और आज जो है मेरे बेटे की सालगिरह 12 अप्रैल है। तो बस जो है ना एक छोटी सी दावत मैंने रखी है, अपनी सिस्टर सारी जो हैं इसकी खाला उनको बुलाया है। तो एक तो ईद की दावत भी ड्यू थी उनकी, साथ मैंने कहा चले हादी की बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगी। तो बस उसकी तैयारी जो है ना मैंने तकरीबन अभी टाइम हो चुका है हमारा 11:15, तो मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी है। बस अभी रिजवान जाके ना गोश्त वगैरह ले आए थे, तो अभी दावत की हम तैयारी शुरू करते हैं। मेन्यू मेरा आज होगा सिंपल खाना होगा, मटन का जो है वो कोरमा बनाऊंगी, इसके अलावा चिकन बिरयानी होगी, साथ कबाब वगैरह होंगे, रायता सैलड जो होता है हमारा, और शायद कस्टर्ड मीठे में बना लूँ मैं। तो इस तरह से साथ में मैंने पास्ता भी निकाला है, पास्ता भी सादा को मिक्स करके थोड़ा सा बना लूँ। इस तरह थोड़ी सी वैरायटीज बीच में ऐड कर लेंगे ताकि बच्चे भी खुश होकर खाना शाना खा सकती हैं। जो लोग आ रहे हैं वो तकरीबन 18 से 20 लोगों की दावत में तैयार करने जा रही हूँ। तो चलिए आप जो है हमारे साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये बर्थडे बॉय आ गया है, तो आज है बर्थडे बॉय कह रहा है कि मैंने बस शलवार कमीज़ में ही जो है ना वो शाम तक रहना और केक काटा। हालांकि मैंने इसके लिए इतनी प्यारी ड्रेस ईद की जो है ना ईद की तो बनवाई है और साथ इसकी बर्थडे की भी इतनी प्यारी ड्रेस लेकर रखी है। तो लेट्स सी कि हमारी बात अब्दुल हादी मानता है कि नहीं मानता। और ये कह रहा है कि मम्मा मुझे आज बिल्कुल कुछ नहीं कहना, मेरी आज सालगिरह है। ऐसे ही हादी, आर यू एक्साइटेड फॉर योर बर्थडे? मेरी बर्थडे तो आ रही है। तो फिर आपको कैसा फील हो रहा है आज? गुड। आप कितने साल के हो गए बताएंगे नहीं हमारे सब्सक्राइबर को? हाँ, माशाल्लाह से 8 साल का अब्दुल हादी हो गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ जी, 8 ईयर्स का हो गया है जी। गाइज़ वेलकम बैक इन माई किचन। तो यहाँ पे जो है कुकिंग मैंने स्टार्ट की है, तकरीबन कोई 11 बजे का टाइम हो रहा है। सबसे पहले मैंने चिकन को जो है निकाला है, दो मुर्गियाँ मैंने बनवाई थी, इसको मैंने सिरका लगा के पानी में डिप करके रख दूँगी 10-20 मिनट के लिए। और यहाँ पे मैंने जो है मटन जो है ना फ्रंट लेग्स का मंगवाया था, इसका जो है मैं बनाऊँगी मटन कुन्ना का सालन, तो उसकी इंशाल्लाह आपको रेसिपी दूँगी। बहुत ही मज़ेदार बना था, सब गेस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो वैसे जैसे हम ग्रेवी वाला सालन बनाते हैं ना, समझ लें कि जैसे निहारी का सालन होता है ना, उससे मिलता जुलता होता है, लेकिन इसमें स्पाइसेस जो है ना बहुत कम होती हैं। और ये जो है ना टिपिकल जो रेसिपी होती है ना मटन कुन्ना की वो है। सबसे पहले मैंने 2 अदद प्याज ले लिए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 3 चम्मच जो है वो डाल दिया। मिट्टी की हांडी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप दूसरे भी कर सकते हैं। नमक जो है ना मैंने जो है 2 किलो के अंदर 3 चम्मच जो है ना टीस्पून ऐड किए थे। और लाल मिर्च पाउडर जो है वो 2 टेबलस्पून जो है मैंने इस्तेमाल किए लाल मिर्च के। और ये स्पाइसेस बहुत एक्यूरेट रहे थे 2 kg चिकन के लिए। और सूखा धनिया जो है ना भर भर के मैंने 2 चम्मच जो है ना ये भी टेबलस्पून ऐड किए थे। हल्दी जो है मैंने 1.5 टीस्पून ऐड कर दी थी। यहाँ पे मैंने जो है ना छोटी प्याली जो है ना ये आप समझ लें कि आधा कप घी का इस्तेमाल किया है, मेरे पास देसी था मैंने वही डाल दिया है। आप दूसरा सादा घी भी डाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ ऑयल। यहाँ पे मेरी देगची का जो साइज़ था ना वो तकरीबन 2 kg की इसकी कैपेसिटी थी, फिर जितना इसके अंदर मटन आया मैंने वो डाल दिया। और अब इसके अंदर जो है ना मैं पानी तकरीबन 1 गिलास डालूँगी, पानी इसमें ज़्यादा नहीं जाता। तो चूँकि नीचे प्याज और मसाले वगैरह हैं तो इसके हमने पानी डाला है कि वापस में देगची में जो है ना नीचे लग के ख़राब ना हो जाए। अब 1 किलो चिकन का जो है मैं बनाऊंगी भिंडी का सालन, तो उसको मैंने दूसरे प्रेशर कुकर में लगा रही हूँ। बीच में मैंने 1 अदद प्याज डाल दी बड़े साइज़ की, 2 अदद टमाटर, हरी मिर्चें 4-5 डाल दी हैं। और स्पाइसिस सारे आप हंसबे जायका ऐड कर दें, जिसमें नमक मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा और इसके अलावा हल्दी जाएगी। अब नंबर 3 पे जो है मैं मैरिनेशन कर रही हूँ बिरयानी की, क्योंकि बिरयानी जो है मुझे लास्ट पे वैसे बनानी है, लेकिन इसकी मैरिनेशन मैं पहले करके रखूँगी ताकि चिकन जो है हमारा अच्छे से मैरिनेट हो जाए। 2 मुर्गियाँ चिकन की हैं, इसके अंदर से जो कुछ बोनलेस है वो मैं निकाल के पास्ता के अंदर इस्तेमाल कर लूँगी। यहाँ पर मैंने नेशनल का जो है मैंने शान का जो बिरयानी मसाला है ना, सिंधी बिरयानी मसाला, वो इस्तेमाल किया है। इसका जो ये वाला शान का जो होता है ना ज़्यादा मज़ेदार बनता है इंस्टेड ऑफ नेशनल की। दही मैंने जो है ना 1 पाव लेके उसके अंदर 3 पैकेट मसाले के डाल दिए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच ऐड कर दिए। सारे चिकन को मैरिनेट करके मैं इसको छोड़ दूँगी 3-4 घंटे के लिए। अब दूसरी तरफ जो है मैं चिकन की मैरिनेशन कर रही हूँ पास्ता के लिए। अच्छा, ये मैरिनेशन आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप चिकन मैरिनेट करके मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इस्तेमाल करके कर सकते हैं, चाउमीन में, पास्ता या और भी कोई आप टॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं।
अच्छा, मैंने ना 1.5 पाव चिकन छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए, तो उसके अंदर 1 अदद मैंने अंडा डाला है, कॉर्नफ्लोर के 2 चम्मच ऐड किए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ऐड किया है, पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप लाल मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। साथ मैंने नमक जो है वो 2 टीस्पून ऐड किए हैं लाल, और 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर के ऐड किया, और साथ में 1 चम्मच सूखा धनिया का डाला। सारी चीज़ों को हम अच्छे तरह से मिक्स अप कर लेंगे। और यहाँ पे जो है मेरा मटन जो है वो तकरीबन 1.5 घंटा कुक हो चुका है, और इसमें हल्का सा पानी बचा है, इसको मैं ड्राई करके तेल आना शुरू हो गया, इसको मैं भुनाई कर लूँगी। थोड़ा सा मैंने मज़ीद इसके अंदर जो है वो घी का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी मेरे मियाँ ले आए थे, और साथ कुछ जूसेस वगैरह भी, क्योंकि गेस्ट बस कुछ देर में आने वाले थे 1.5 घंटे में, तो फिर मैंने सारी ड्रिंक्स जो है ना अंदर फ्रिज में रखती ताकि अच्छे से ठंडी हो जाएँ। अच्छा, बाय द वे हम खुद घर पर जो है ना बिल्कुल भी ड्रिंक्स नहीं पीते हैं, तो ना मैं पीती हूँ, ना मेरे हस्बैंड और ना ही मेरा बेटा, लेकिन फिर जब मेहमान वगैरह आने होते हैं तो हम उनके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि मेहमान हमारे सारे जो है वो ड्रिंक्स शॉप से पीते हैं जी। यहाँ पे ना मैंने ग्रेवी बनाने के लिए इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, और इसने अभी मज़ीद 1 घंटा जो है वो कुक होना है, क्योंकि अभी हमने इसको सिर्फ जो है वो 1.5 घंटा पकाया है, 1 घंटा ये मज़ीद जो है ना कुक होगा और अच्छी सी ग्रेवी इसके अंदर तैयार हो जाएगी जी। और इन बिटवीन डेकोरेशन वाले भी भाई बस आ चुके थे, उन्होंने अपना काम आते ही शुरू कर दिया, और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी डेकोरेशन जो है वो हो गई थी जी। नेक्स्ट अब बना रही हूँ मैं भिंडी का सालन मटन के साथ, और ये ना बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, सिंपल तरीक़ेकार है लेकिन खाने में बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा, जो है ना भिंडी को जो है ना मैं छोटी कटिंग करूँगी, और बहुत ज़्यादा लंबी लंबी नहीं करूँगी इस तरह से। अब जो है ना मटन जो मेरा था वो अच्छे से गल चुका है, सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डालती हूँ इसके अंदर, ना मैं भिंडी को थोड़ा सा जो फ्राई कर लूँगी, लाइट से इसका कलर चेंज करेंगे, इसके अंदर से निकाल लेंगे इसको, और फिर इसी ऑयल के अंदर हम मटन को डालकर अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, जैसे ही मटन का पानी खुश्क हो गया, अब इसके अंदर जो है थोड़ी सी भुनाई करके मैंने साथ इसके अंदर जो है ना छोटी प्याली दही की ऐड कर दिया, और इसको दही के साथ अच्छे से हम भून लेंगे, और इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका मसाला तैयार हो जाएगा। जैसे ही हमारा दही का पानी खुश्क होगा, ऑयल ऊपर आना शुरू होगा, दोबारा से वही भिंडी हम डाल के उसको भुनाई करके उतार लेंगे, और ये फाइनल लुक है डेकोरेशन का। अच्छा, ये थीम मैंने खुद पसंद किया था, बलून्स का कलर स्कीम सारी, क्योंकि उनके ना और व्हाट्सएप पे सारे डिज़ाइंस होते हैं, उसमें से आप खुद अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मुझे ये वाला पसंद था ज़रा कलरफुल सा, तो माशाल्लाह सिर्फ सेम वैसा ही उन्होंने तैयार किया, बहुत खूबसूरत लग रहा था तैयार होने के बाद। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी भिंडी तैयार हो चुकी है, और इसके साथ साथ हमारा जो मटन का सालन है वो भी आलमोस्ट डन होने वाला है। अब एंड पे जो है ना इसकी हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं, इसको जो है ना हम जिस तरह निहारी का शोरबा तैयार करते हैं ना आटे का घोल डाल के, सिमिलरली हमने जो है ना आधा ग्लास पानी का मैंने लिया, उसके अंदर 3 चम्मच मैंने आटे के डाल के अच्छे से उसको घोल सा बना लिया लिक्विड सा। अब इसको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, और थोड़ी देर इसको 5 मिनट के लिए जो है ना पकाएंगे। मटन बहुत अच्छा गल चुका था इसके अंदर, और शोरबा भी जो था ना हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा सा बन गया था। बहुत ज़्यादा मैंने लंबा शोरबा नहीं रखा था इसके अंदर, हल्का फुल्का सा रखा था ग्रेवी, तो इसके बाद जैसे हमने आटा डाला और इतना खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आया है, थोड़ी देर बाद इसने ऑयल भी अपना छोड़ दिया था, और देखने में भी बहुत खूबसूरत था, खाने में तो क्या ही बात थी, सब मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था कि एक डिफरेंट डिश बन गई थी। यूजुअली हम बना लेते हैं मटन का कोरमा या फिर मटन कढ़ाई वगैरह इस तरह की, तो मैंने कहा चलें इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है ना मैंने साथ ही पास्ता बॉयल होने के लिए रख दिया है, और हाथ के हाथ मैंने कहा चलें जैसे जैसे बाकी चीज़ें कुक हो रही हैं सैलड भी तैयार कर लें। सैलड बहुत ही क्विक तरीके से मैं बना रही हूँ, मैंने बड़ा बाउल ले लिया जिसके अंदर मैंने डिस्प्ले करना है, उसी में मैं डायरेक्ट कटिंग कर रही हूँ ताकि बर्तन भी मेरे बचे और टाइम की भी मेरी बचत हो। सलाद पत्ता मैंने बीच में काटे हैं, खीरे काटे हैं, और साथ में मैंने बंद गोभी थोड़ी सी काट ली है, और यहाँ पे मैंने बारीक बारीक कटिंग जो है वो पास्ता के लिए कर ली है। चिकन मैरिनेट हमने पहले कर लिया था, उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर ली हुई है।
सबसे पहले हम तेल थोड़ा सा डालते हैं, इसके अंदर हम चिकन डालेंगे। चिकन में ऑलरेडी सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, अब इस वक्त हमने कुछ भी नहीं डालना। स्पाइसेस में नमक और मिर्च आएगी, सॉसेज में सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका और इसके अलावा ऑस्टर सॉस और इसके साथ जो है पेरी पेरी सॉस। आपके पास पेरी पेरी सॉस या ऑस्टर सॉस नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, सिंपल सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस आप ऐड कर लीजिएगा। सबसे पहले चिकन को हम थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से भूनेंगे अनटिल कि उसका कलर चेंज हो जाए और थोड़ा सा गल भी जाए। फिर साथ हमने जितनी वेजिटेबल काटी हैं, बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च, उसको डाल के अच्छे से भुनाई करेंगे। जी, सब्जियों को थोड़ी देर भुनाई करके हम साथ में सारे स्पाइसेस और सॉसेस को ऐड कर देंगे। नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल हस्बे ज़ायका आप कर सकते हैं। और साथ में जो सॉसेस मैंने डाले हैं, चिली सॉस, सोया सॉस दो दो चम्मच ऐड किए थे, ऑस्टर सॉस और इसके अलावा जो पेरी पेरी सॉस था वो एक एक चम्मच मैंने डाल दिया था। सारे सॉसेस ऐड करने के बाद हम पास्ता अपना इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से इसको जो है वो मिक्सअप कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस अच्छे से पास्ता के साथ मिक्सअप हो जाएं। थोड़ी देर मिक्स करके इसके अंदर साथ ही मैं केचप इसके अंदर जो है वो तकरीबन 4 से 5 चम्मच ऐड कर दूंगी। अच्छा, ये जो पास्ता है ना हम सॉस वाला बनाएंगे, अब आगे जा के इसके मैं सॉस वाइट सॉस तैयार करूँगी और फिर उसको जो है ओवन में थोड़ी देर के लिए बेक करूँगी। अब नेक्स्ट जो है ना बिरयानी की प्रेपरेशन भी स्टार्ट हो गई है, साथ साथ प्याज भी उसका मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया और चिकन भी जो है उसका कौरमा तैयार हो रहा है। यहाँ पे फ्रेश बटर मैंने निकाल के कर रखा था, वो थोड़ा सा मैंने पैन में ले लिया बटर, इसके अंदर हम अपना वाइट सॉस तैयार करेंगे। जैसे ही बटर जो है मेरा थोड़ा सा मेल्ट हुआ है, इसके अंदर मैं 2 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर के ऐड करके थोड़ा सा इसको भुनाई करूँगी और उसके बाद इसके अंदर दूध डाल देंगे हम अपना 1 से 1.5 कप जितनी हमने सॉस इसके अंदर तैयार करनी है। साथ में थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे स्पाइसेस के लिए और इसको थोड़ा सा थिक कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिया, इसके अंदर पास्ता मैं डाल के सबसे पहले उसके ऊपर सॉस डाल दूँगी जो मैंने वाइट सॉस अभी तैयार किया है और एंड पे जो है वो मोज़रेला चीज़ जो है मैंने ग्रेट करके रखी है वो सारी डाल के इसको तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट हम ओवन के अंदर जो है वो लगाएंगे ताकि इसका जो है ना अच्छा सा चीज़ भी मेल्ट हो जाए और प्यारा सा ऊपर कलर आ जाए और फिर इसका लुक ना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे लज़ानिया का होता है ना, बहुत ही देखने में भी खुश शक्ल होता है और खाने में तो मज़ेदार होता ही। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर और इसको मैं 10 मिनट के लिए जो है यहाँ पर बेक होने के लिए रख दूँगी। अच्छा, ये बिल्कुल एंड पॉइंट चल रहा है, मेहमान अब आ चुके हैं तो जो लास्ट मिनट पे चीज़ें तैयार करने वाली थी ना बस अब मैं वही कर रही हूँ और रायता मेरा तैयार होने वाला रह गया था, फिर जल्दी से मैंने पुदीना रायता तैयार कर लिया और इसके अलावा जो है ना बिरयानी जो है उसको भी दम लगाती हैं अभी थोड़ी देर में क्योंकि कौरमा भी उसका बस रेडी होने वाला है। बिरयानी तो मैंने ख़ास तौर पे जो है ना वो लेट की थी, मैंने कहा चलें गरम गरम जो है जब मेहमान आ जाएँ तो उसी वक्त दम खोले खाने का मज़ा आएगा। अच्छा, इसकी मैंने जो है ना 3 तह लगा दी थी, सबसे नीचे चावल डाल के ऊपर मैंने चिकन का कौरमा डाल दिया था, फिर दोबारा से चावल और इस तरह से 3 तह मैंने रिपीट कर दी थी। जो गार्निशिंग के लिए मैंने प्याज को जो है वो फ्राई करके रखा हुआ था, उसके अंदर मैंने धनिया थोड़ा काट लिया था, हरी मिर्चें काट ली थी और उसके अलावा जो है टमाटर के स्लाइस, तो लास्ट पे जो है वो ज़रदा रंग स्प्रिंकल करके इसको बस दम लगा के रख देंगे तकरीबन कोई 10 मिनट के लिए। जी, तो हमारी बिरयानी का दम भी बस खुल चुका है और ये कलरफुल सी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो गई है। सारी चीज़ें गेस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, ख़ास तौर पर बिरयानी, तो बिरयानी जो है देखने में भी कलरफुल थी और खाने में भी मज़ेदार थी। जी, तो माशाल्लाह से मेहमान भी बस सारे आ चुके हैं और अब खाना जो है टेबल पे हमने डिस्प्ले कर ले, केक काटते हैं और उसके बाद जो है वो भी खाना शाना खाते हैं। तो यहाँ पे ना इस तरह से मैंने टेबल को दीवार के साथ करके तो बुफे सिस्टम लगा दिया था, इस दफ़ा थोड़ा सा मैंने सेटिंग अरेंजमेंट भी चेंज किया था ताकि मैक्सिमम गेस्ट आराम से बैठ के खाना इंजॉय कर सकें। पापा,
आराम से खुद खड़े होना आपको, ठीक है? मामा आपको करती है। मैं बता देता हूँ, जी तो बस अब जो है वो खाना शाना जो है वो सब इंजॉय कर रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत रौनक लगी हुई थी और बहुत ही अच्छा दिन गुजरा। तो अल्लाह मियाँ सबको जो है वही खुशियाँ नसीब करें और आपसे मैं चाहूँगी अब इनके इजाज़त मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।